लेकर चल रही सियासत का एक और मोड़ देख लीजिए जनाब। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका था और आज देश के सबसे बड़े मदरसों में शुमार नदवा कॉलेज का सर्वे हुआ और भक्त मंडली को जिस चीज की उम्मीद नहीं थी ठीक वही हुआ है। जी हाँ, नदवे का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है और उस सर्वे में क्या क्या हुआ है, क्या क्या सामने आया है, वो सब चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन भक्त मंडली के लिए अच्छी खबर नहीं है, तो बात बात पर एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के पीछे पड़े रहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी के सभी जिलों में मदरसा सर्वे का काम जारी है। इसी क्रम में आज गुरुवार को शांतिपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन की टीम ने नदवा कॉलेज का सर्वे पूरा कर लिया, क्योंकि आज नदवा कॉलेज के सर्वे पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और सबको ये उम्मीद थी कि जैसे ही वहां पर टीम पहुंचेगी तो वहां पर कुछ ऐसा बवाल देखने को मिलेगा या फिर सर्वे की टीम को रोका जाएगा, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है और ये राहत भरी खबर है। यूपी भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जारी है। गुरुवार को सर्वे टीम लखनऊ के नदवा कॉलेज में जैसे ही पहुंची और वहां पर जानकारी लेने लग गई तो लोगों में, मीडिया में ये खबरें सामने आने लगी कि अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले में क्या होता है, क्या नदवे में जो है सर्वे का विरोध किया जाएगा, क्योंकि इस पूरे सर्वे को लेकर के कई जो जमीयत है वो इसका विरोध कर रही है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन नदवे का जब सर्वे हुआ है तो इस पूरे मामले में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। वहां के मौलानाओं ने, वहां की जो लोग हैं जो देखरेख करते हैं, सबने टीम के साथ कोऑपरेट किया है और सारी जानकारी जो चाहिए थी वो दी गई है। नदवा कॉलेज देश के सबसे बड़े मदरसों में शुमार है। प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनका सर्वे फंडिंग समेत 11 बिंदुओं के आधार पर किया जा रहा है। सर्वे कर रही टीमों को 15 अक्टूबर तक अपना सारा सर्वे पूरा करना है, यानी यूपी के सभी जिलों में जाकर के उनको सर्वे करना है मदरसों का जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, और 15 अक्टूबर तक ये सारी रिपोर्ट पेश करनी है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी 25 अक्टूबर तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कई जगहों पर इस सर्वे का विरोध भी हुआ है। विभिन्न मुस्लिम के जो संगठन इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने फंडिंग सहित 11 बिंदुओं पर जानकारी देने से या लेने की जो बात कही जा रही है उसका विरोध किया है। और राजधानी लखनऊ के डालीगंज में स्थित नदवा कॉलेज, जो देश के बड़े मदरसों में से एक माना जाता है और वहां पर पूरा जो है एक राज्य से नहीं कई राज्यों से, देश के कोने कोने से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, चाहे वो दीनी तालीम हो या फिर दुनियावी तालीम है, दोनों तरीके की तालीम दी जाती है। आपको बता दें कि CAA को लागू करने के वक्त भी यहीं से जो छात्र हैं उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, और जो है मौजूदा वक्त में प्रदेश में जब ये पूरा सर्वे हो रहा है मदरसों का, तो इसमें अब नदवे का भी सर्वे किया गया है। जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि सर्वे कर रही टीमों को जो है पूरी तरीके से कोऑपरेट किया गया मदरसा प्रशासन की तरफ से, जो वहाँ के लोग हैं देखरेख करने वाले हैं उन सभी ने 11 बिंदुओं पर सारी जानकारी टीम को दे दी है। आपको बता दें कि ये जो पूरी रिपोर्ट है वो जिलाधिकारी खुद सौंपेंगे सरकार को, और जिस तरीके से आज सर्वे प्रशासन की जो टीम थी वो नदवा पहुंची थी, इसमें ADM के नेतृत्व में कई अधिकारियों ने नदवा कॉलेज के कागजात की भी जांच की है। सर्वे के दौरान SDM, ABSA और DMO भी मौजूद रहे। नदवा की वॉइस प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल अजीज भटकली, मौलाना कमाल अख्तर नदवी, मौलाना इस्माइल भोला, SDM सदर नवीन कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोन कुमार और ABSA 11 बिंदुओं पर जानकारी उन्होंने ली। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो सर्वे के दौरान मौजूद रहे और मौलानाओं की तरफ से पूरी तरीके से सहयोग किया गया। जांच में एक एक बिंदु की जांच दी गई, उनको सारी चीजों के बारे में बताया गया, यहाँ तक कि जो कागजात हैं उनकी भी जांच की गई, उनको भी दिखाया गया। उल्मा ने कहा है कि हम सर्वे का खुले दिल से स्वागत करते हैं, सरकार जो जवाब चाहती है हम उसका जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।
गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के सर्वे को लेकर बन रही भ्रम की स्थिति पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को किसी भी रूप में जांच ना समझा जाए। सर्वे का मकसद मदरसों को सही संख्या जो है वो पता लगाना है, जिससे जरूरत पड़ने पर उनको सुविधाएं दी जा सके। डॉक्टर जावेद ने आगे कहा कि प्रदेश में अधिकांश मदरसे चंदे और जकात के पैसे से चल रहे हैं। ये मदरसे गरीब, लाचार और यतीम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मदरसों के बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा साफ है। वो चाहते हैं कि इन बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, लेकिन जिस तरीके से मदरसों के सर्वे को लेकर यह अभियान चल रहा है वो वाकई ये बताता है कि जिस तरह से अब सर्वे होना शुरू हो गया है, उसके बाद जब 15 अक्टूबर तक पूरे मदरसों का सर्वे करना है, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके के विरोध की खबरें भी सामने आई हैं उनका भी सामना जो है वो प्रशासन की जो टीम है सर्वे की उसको करना पड़ेगा। लेकिन जहां पर सबकी निगाहें बनी हुई थी, यानी देश के सबसे बड़े मदरसों में शुमार नदवा कॉलेज की, वहां का सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से अब मुकम्मल हो चुका है और उसकी अलग अलग तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं, जिनमें से कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रखना चाहेंगे और वो बताना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से इसमें सर्वे किया गया है। सबसे पहले जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर है, रोशन कुमार जो जर्नलिस्ट है इनकी तरफ से इस ट्वीट को बताया गया है। और ये वीडियो जो इन्होंने शेयर किया है ये जब सर्वे हो रहा था उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि लखनऊ दारुल उलूम नदवा कॉलेज का सर्वे शुरू हो चुका है। प्रशासन की टीम नदवा में सर्वे के लिए पहुंची है। देश के बड़े मदरसों में शुमार नदवा कॉलेज एसडीएम बीएसए सर्वे के लिए नदवा पहुंचे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी पहुंचे हैं। एआईएम पीएलबी अध्यक्ष की सरपरस्ती में नदवा कॉलेज चलता है, जिसका सर्वे हुआ है और इस वीडियो में आप देख पाएंगे मौलाना जो मेन मौलाना है वहां के, वो और उसके साथ जो सर्वे की टीम है वो सभी लोग मौजूद हैं और आपस में बातचीत करते हुए और जानकारी देते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो आपको पढ़ते हुए भी आपको नजर आएंगे। ये पूरा जो वीडियो है ये सर्वे से पहले का ही है, लेकिन इन्होंने जो लिखा है कि सर्वे की टीम पहुंची है उस वक्त का वीडियो बता करके शेयर किया गया है। अब ये जब जिस पर जो है पूरी तरीके से लोग सवाल उठा रहे थे कि मदरसों में सर्वे नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे, ये गलत है, तो नदवा की तरफ से ये बताया गया है कि सर्वे अगर हो रहा है तो इसको में जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए सरकार का, और जो भी जानकारी उनको चाहिए है तो वो आप जानकारी उन तक दें, ताकि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो सरकार जो है वो उन मदरसों की मदद कर सके। इस तरह से सर्वे को मौलानाओं ने बताया है, कहा है कि जांच के रूप में इसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और नदवा में हुए इस सर्वे को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।